हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में कम समय में बनने वाला बहुत ही ज्यादा टेस्टी कढ़ी पकौड़ा। यकीन मानिए, एक बार ये कढ़ी पकौड़ा आप बनाकर खा लेंगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम कढ़ी पकौड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ 200 ग्राम बेसन ले लिया है, इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। इस बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। हमने यहाँ आधा टीस्पून नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। हमने आपको हल्दी दिखाना स्किप कर दिया है, आप इसमें आधा टीस्पून हल्दी भी डाल दीजिएगा। और इसे हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि जो हमारा बेसन का बैटर अच्छी तरह से हल्का हो जाए और हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। इसे हम फेंट कर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें हम पकौड़े तलने के लिए ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और थोड़ा थोड़ा बेसन का डो लेके इस गर्म ऑयल में डाल देंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे पकौड़े ऑयल में डाल दिए हैं और इसे हमें उलट पुलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम गैस पे हम इस पकौड़े को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम बेसन के घोल का ऑयल में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊँ, ताकि आप उसे अपने घर पर आसानी से बना सके। वीडियो आप स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा, ताकि आप अपने घर एकदम परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा बना सके। इस कढ़ी पकौड़े को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ये तुरंत ही बनकर तैयार हो जाते हैं। हमारे यूपी में ये कढ़ी पकौड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। हम इसमें ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी ये कढ़ी पकौड़ा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अपने घर ये कढ़ी पकौड़ा बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कढ़ी पकौड़ा कैसे बने थे। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम पतीले में 4 चम्मच बेसन ले लेंगे और इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 कप भर के हमें इसमें खट्टी दही डाल देना है। ये दही से जो कढ़ी हमारी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और इसे हम अच्छी तरह से बेसन में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, मिलाते वक्त बेसन में गुठलियाँ न रहे, नहीं तो जो हमारी कढ़ी है सही से नहीं बनेगी। इसलिए हमें इस बेसन को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें हम 2 ग्लास भर के पानी डाल देंगे। हमें जितनी कढ़ी बनानी है हम उतना पानी डाल दिए हैं। आपको जितना कढ़ी बनाना है आप उतना पानी डाल दीजिएगा। हमने ये कढ़ी 6 लोगों के लिए बनाई है, वही हिसाब से हमने 4 टेबल स्पून बेसन लिया और इसका घोल बना दिया है। अब हमने गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हमने आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सफ़ेद उड़द की दाल और आधा चम्मच जीरा डाल देना है और इन सभी को अच्छी तरह से चटकने देना है। चम्मच से हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकते हैं सफ़ेद उड़द की दाल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम 5 बारीक हरी मिर्च काट के डाल देंगे। 1 प्याज को पतले स्लाइस में काट के डाल देना है। अब इसमें हम ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप ये सिंपल और टेस्टी कढ़ी अपने घर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भुन गए। हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसे हम सारा कढ़ाई में डाल देंगे। अभी भी हमें ये बैटर कम लग रहा है, हमने इसमें आधा ग्लास पानी और डाल दिया है। आप अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम फुल फ्लेम पे है, जब ये उबलने लगे तब आप गैस की फ्लेम पूरी तरह से स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो जो कढ़ी है वो कढ़ाई के बाहर गिर जाएगी। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल रहे हैं, हमने गैस की फ्लेम पूरी तरह से स्लो कर दी है। अब हमने जो पकौड़े बनाए थे वो सारे पकौड़े हम इस कढ़ी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब इसे हम एक मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारे पकौड़े कढ़ी में अच्छे से मिल जाए। एक मिनट बाद हम ढक्कन उतारकर इसमें हरा धनिया बारीक काट के डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी पकौड़े देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और यकीन मानिए ये सुंदर ही नहीं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे चावल से इंजॉय कर सकते हैं, ये चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप मेरे बोलने पे मत जाइएगा, अपने घर खुद बनाइएगा तब जानिएगा कि मैं सच बोल रही थी या झूठ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको एक कढ़ी पकौड़ा खानी है तो अपने घर बनानी तो पड़ेगी, तो आप अपने घर एक कढ़ी पकौड़ा बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।